बट सब वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज जो है ये जैसे कि आप लोग जानते हो ये राइड ब्लॉग है। तो हे राइडर्स, आज भी करते हो गए राइड, मज़ा आ जाता होगा आपको। एंड अभी मैं हूँ इंडिया गेट और सीपी के बीच में जो एक सर्कल टाइप का आता है वहाँ पे। ओके तो अभी यहाँ ना थोड़ा अभी धूप नहीं निकली है बिकॉज इट्स अभी 7 बजने वाले हैं। तो अभी 6:56 हो रहे हैं और एज यू कैन सी यहाँ पर मेरी MTV खड़ी है। ओके विद न्यू कॉइल 4 और मैं आपको आगे जाके बताऊँगा इस ब्लॉग में मैं आपको और आगे जाके बताऊँगा कि कैसे, मतलब मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा था। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं हर संडे वीडियो डालूँगा बट मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब वो मेरे को मैं आपको जाके बताऊँगा आगे। चलो फिर इस ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ अपने साथ एक राइड पे। सो गाइज अभी मैं आया हूँ थोड़ा सा आगे और यहाँ तो और भी ज़्यादा वाइड रास्ते हैं, देख सकते हो आप जैसे कि, ठीक है। और यहाँ पर जो है अभी लाइट का प्रॉब्लम है यार, बट मैं शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसी और साइकिलिंग राइड ब्लॉग्स और साइकिलिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए प्रमोशंस। तो यहाँ पे और सुबह का टाइम है और यहाँ ग्रीनरी बहुत है, एज यू कैन सी यहाँ ग्रीनरी बहुत है। तो बात क्या है ना, यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है लग रही है, मतलब राइड करने में मतलब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि जब हम राइड करते हैं तो हमारी बॉडी वार्म हो जाती है अंदर से, और गर्मियों के टाइम पे तो और भी गर्मी लगती है। तो बस लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, यहाँ ठंडी ठंडी हवा लग रही है सुबह के टाइम पे, इसलिए राइड करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और हेयर वी हैव, और मैं अभी हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट के पास। और मैंने सुना था, वीडियोस में भी देखा था कि यहाँ पर जो है अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमें इंडिया गेट राजपथ पे नहीं जाने देंगे, बट मैं आपको बाहर से दिखा दूँगा, ठीक है। और राइड करने हम अभी जाएंगे और आगे जाएंगे बिकॉज इट्स 7:05, अभी 6:07 हो रहे हैं। तो नेशनल वॉर मेमोरियल जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, सो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, आप लोग भी आना रही। और इंडिया गेट यहाँ से तो दिख रहा है बट कंस्ट्रक्शन का कुछ यहाँ से दिख नहीं पा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरा। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो वो रहा अपना वॉर मेमोरियल, ठीक है। अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है इसमें, मज़ा दिखा नहीं पा रहा। और उसके पीछे अपना इंडिया गेट और बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, ठीक है। थोड़ा जूम कम करते हैं, ये पूरा एरिया है, ठीक है। और बहुत ही वाइड एरिया है, बहुत ही खुला एरिया है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस यार अभी जैसे कि आप लोग जानते हो ओलंपिक्स चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया सामने वॉर मेमोरियल है और उसके सामने ही आपको मिल जाता है ये। अगर आप तो ये अभी ओलंपिक्स के टाइम पे राइड पर आते तो आपको यहाँ ज़रूर दिखेगा, आप पिक्चर्स क्लिक कर तो अपने आप उसके अपनी, और मैंने भी अभी पिक्चर्स क्लिक करी है, आप लोग स्क्रीन पे ही देख सकते हो। अगर नहीं देख पा रहे मतलब हो सकता है मैं डालूँ, लेकिन जो और बाकी पिक्चर्स जो है जो मैंने जितनी भी खींची है सारी आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगी। नीचे आ रहा होगा लिखा हुआ इंस्टाग्राम अकाउंट, जाओ फॉलो कर लो। और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है, देख सकते हो ये फुल। मैं आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरा की मदद से। गाइस जैसे कि देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है यार अपना ये, मतलब इसमें सबसे बढ़िया बात हुई है जो इंडिया है वो आई ने लिखा अपना तिरंगा बना रखा है यार, कितना बढ़िया है, ठीक है। यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, ये अपना ओलंपिक्स का वो है साइन। और एज यू कैन सी
यार यहाँ पर राइड करने में भी आपको मज़ा आता है, बिकॉज़ यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। और मेरे बीच से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और एंड अभी मैं लोडिंग स्ट्रीट आर्ट की तरफ पहुँच जाऊँगा यार। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी ओलंपिक्स के टाइम पे हो रखी है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया। और यहाँ पे बहुत सारे मोमेंट वो मोन्यूमेंट्स भी है, जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी कि यहाँ पे अपना वॉर मेमोरियल दिखाया मैंने आप लोगों को। अभी यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये थी नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, ओके। सो अभी हम आगे जाएंगे, अभी मैं जा रहा हूँ राजपथ की साइड। सो गाइस, जैसे कि आप लोग पीछे देख ही सकते हो, यहाँ पे बैरियर आ गए हैं। यहाँ पे ये देख सकते हो, जैसे मुंह में मिट्टी जा रही है यार। सो यहाँ पे बैरियर आ गए हैं सेंट्रल विस्टा के, और चारों ओर बैरियर्स ही है। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत बुरा हाल है, ठीक है। और अभी मैं राजपथ पे एंटर तो कर गया हूँ, मतलब राजपथ पे ही आ गया। लेट्स सी यहाँ क्या होता है यार। और मैं आपको चेस्ट शॉट्स नहीं दे सकता बिकॉज कुछ हो गया है। सो गाइस, अभी आ गया हूँ मैं इंडिया गेट पे, पीछे देख सकते हो। और यहाँ फुल्ली कंस्ट्रक्शन चल रहा है राजपथ पे पूरे पे, ठीक है। यहाँ अंदर एंट्री नहीं ले मेरे, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और पीछे मेरे इंडिया गेट है, और मैंने यहाँ से फ़ोटो खिंचवा लिया दो, तो इंस्टाग्राम पे सब मिल जाएगा यार, फॉलो कर लो, ठीक है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग यार। अभी मैं आपको जल्दी से अगले वीडियो में मिलता हूँ, बिकॉज बहुत धूप है और शूट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा है अभी घर के लिए। तो जल्दी से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मेरा जो मैंने इतने दिनों से वीडियो डाली, पहली बात थी कि मेरी तबीयत ख़राब थी यार थोड़े दिनों के लिए, और दूसरी बात यहाँ पे स्क्रीन में दिख गया, यहाँ पे ना मेरा हब टूट गया था फ्रंट व्हील का, और फिर इसको मैंने ठीक करवाया था, और फिर उसके बाद से अपन कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं। तो चलो यार, थैंक फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय।